तारीफ होंगे। ये इंट्रो देखने की मेरी खास वजह ये थी कि मैं अपना इंट्रो भूल चुका हूँ। छह महीने के बाद मैंने अपना जो ब्लॉगिंग सेटअप है वो मैंने उठाया और मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। छह महीनों के अंदर काफी चीजें चेंज हो चुकी है जैसे कि मैंने नया मोबाइल ले लिया है। मतलब मेरी ब्लॉगिंग ना करने की वजह, मेन वजह यही थी कि मेरे पास मोबाइल नहीं था और जो पुराना मोबाइल था वो मैंने बेच दिया। उसके बाद जब मैंने 6 महीने मेहनत की अपने जाती पैसे से मैंने मोबाइल लिया और पुराना मोबाइल था वो मैंने बेच दिया उसके बाद जब मैंने 6 महीने मेहनत की अपने जाती पैसे से मैंने मोबाइल लिया और उसकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। तो ब्लॉग अब फाड़ू आएंगे तरीके से आएंगे। और जो कहते थे जाके जो जेबी है वो ब्लॉगिंग छोड़ चुका है और अब वो ब्लॉग नहीं करेगा, मेरे बारे में थी जो मेरे फेलो यूट्यूबर्स है माशाल्लाह सब आगे जा चुके हैं और मैं अभी तक कभी पीछे अटका हूँ। लेकिन मुझे कम्प्लीट करना है जो मैं 2020 में नहीं कर पाया वो भी मैं 2021 में करूंगा और इंशाल्लाह 6 महीनों के बाद मैं ये ब्लॉग अपलोड करूंगा। तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता कि आप लोगों का क्या रिएक्शन आएगा। तो वही मैं रिएक्शन देखने के लिए बड़ा बेताब हूँ और मैं जल्दी एडिट करूंगा अभी इस ब्लॉग को और अपलोड करूंगा और चेक करूंगा कि भाई क्या रिएक्शन आएगा, क्या मेरे व्यूज बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे या 2 व्यूज आएंगे या 3 व्यूज आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे कितने सब्सक्राइबर डेड हो चुके हैं और कितने सब्सक्राइबर बच चुके हैं जो मेरी ब्लॉगिंग देखते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता। अभी जब ब्लॉग अपलोड करूंगा तभी पता चलेगा। लेकिन यार जो ये देख रहा है ना तो लाइक लाजमी करके जाना यार, थोड़ा सा भाई अच्छा लगेगा। तो इन 6 महीनों के अंदर अंदर मैं 2 बार पंजाब जा चुका हूँ। मतलब ये 6 महीनों के अंदर मतलब मैं 2 बार पंजाब, एक बार मैं गया हूँ फौतगी पे, हमारे जो करीबी रिश्तेदार था कोई फौत हो गया, और एक बार मैं गया हूँ शादी पे। तो मैंने शादी में बहुत कोशिश की व्लॉग बनाने की यार, लेकिन व्लॉग ही नहीं बना, मतलब बिल्कुल ही व्लॉगिंग भूल। अबे भाई तुम लोगों को भी अभी लड़ना था, तो बिल्कुल ही व्लॉग बना ही नहीं मुझसे। और मैंने बहुत कोशिश की यार कि एक व्लॉग बन जाए, लाहौर में गया था यार, मतलब मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं लाहौर जाके व्लॉग बनाऊं, लेकिन नहीं बन सका। और यार ये व्लॉग बनाते वक्त ना मुझे इतने मसले हुए हैं ना जिसकी कोई हद नहीं, मतलब मैं बार बार रीटेक ले रहा हूँ और व्लॉग बना रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही भूल चुका हूँ कि व्लॉग किस तरह बनाते हैं, मतलब। हाँ जी, तो अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं और अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा मोबाइल है जिससे व्लॉगिंग बड़ी अच्छी तरीके से हो जाए और आपके कम बजट में, जो मेरी अगली वीडियो है वो इसी बारे में, और मैंने 6 महीनों के बाद मतलब अपने पैसे से मेहनत करके पबजी खेलना चाहते हैं, मतलब पबजी के लिए भी अगर आपको मोबाइल चाहिए वो भी कम बजट में, तो मेरी जो अगली वीडियो है वो उसी बारे में, आप किस तरह मतलब यूट्यूब की वीडियोस के लिए भी और ब्लॉगिंग के लिए भी और मतलब और बार बार बोल रहा हूँ मैं और तो क्या कहते हैं, ब्लॉगिंग के लिए भी और पबजी के लिए भी अगर आप एक फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये वाला फ़ोन है ना, जो इससे बेहतर भाई कोई भी फ़ोन नहीं। और जो पीछे जो सलवार लटकी हुई उसको इग्नोर करना, मैंने जल्दी जल्दी देखा ही नहीं कि पीछे सलवार लटकी हुई। अगर 6 महीनों के बाद आपको थोड़ा सा भी मेरा चेहरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, और मैं इसी तरह भी ब्लॉग अपलोड करूँगा। इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा और मैं लगातार ब्लॉग अपलोड करूँगा और मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। तो यार बस दुआ करना कि मैं दोबारा से गायब ना हो जाऊँ 6 महीने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। और 6 महीनों के बाद अगर जो भी मेरी शक्ल देख रहा है प्लीज़ यार लाइक करके जाना, और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।